नमस्कार भाई और बहनों, सबसे पहले आप सबको सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले शंकर महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप लोग सदा खुश रहें, सदा प्रसन्न रहें। आप लोग की सारी मनोकामना महादेव जी पूरी करें। गर्भवती महिलाओं के प्रसव कराने का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को मिला, करनी होगी जच्चा बच्चा की देखभाल। नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। बाल विकास में काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को अब स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर द्वारा किए जाने वाले काम की जिम्मेदारी दे दी गई है। अब आंगनबाड़ी वर्कर को गर्भवती महिलाओं का कराना होगा प्रसव, साथ ही जच्चा बच्चा की देखभाल भी करनी होगी। जबकि गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव कराने की जिम्मेदारी आशा वर्कर की थी, पर इन कामों की जिम्मेदारी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को सौंप रही है। 28 मई 2024 के आदेशानुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जिम्मेदारी भी ICDS विभाग को सौंप दी गई थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसे शॉर्ट में PMMVY कहते हैं, और कन्या सुमंगला योजना का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी करवाया गया है सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को। इससे पहले PMMVY प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता था। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने इस योजना को ट्रांसफर करने के संबंध में आदेश भी जारी कर दिए थे, जिसके कारण अब प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के संचालन की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पर आ गई। अब आंगनबाड़ी वर्कर को अपने क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करते हुए निकट के सरकारी अस्पताल में पंजीकरण कराना होगा। गर्भवती महिला के प्रसव के बाद धात्री महिला व उसके बच्चे की 1 माह पहले और 1 माह बाद तक बेहतर देखभाल भी करनी होगी। देखा जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। अब इन्हें गांव में जाकर गर्भवती महिलाओं का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा, इनके प्रसव की व्यवस्था भी करनी होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती गर्भवती महिला को उसके नजदीकी सरकारी अस्पताल में पंजीकरण कराते हुए सुरक्षित प्रसव के लिए प्रेरित करेगी। समय समय पर गर्भवती महिला की होने वाली नियमित जांच कराएगी। भाई और बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को सरकार द्वारा दिए गए कामों की संख्या वैसे भी कम न थी, रही सही कसर स्वास्थ्य विभाग के कामों द्वारा पूरा किया जा रहा है। बहने भागने वालों में से नहीं है, पर इतना ज्यादा काम के एवज में मानदेय भी सही मिलना चाहिए। ये थोड़ी है कि काम चाहे जितना करवाओ पेट भी नहीं भरोगे और चुल्लू भर पानी भी पिलाओगे। हम करने को राजी हैं सारे काम, पर हमें भी नियमित करो, हमारा भी स्थायीकरण करो, और जब तक नियमित नहीं किया जाता है तब तक सम्मानजनक मानदेय की राशि दी जाए। भाई और बहनों, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं पूरी सूचना में अभी क्या बाकी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आर्थिक मदद। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत महिलाओं को गर्भावस्था के बाद की सहायता और उनके बच्चों की देखभाल के लिए सरकार द्वारा इनकी आंशिक मदद की जाती है, जिसमें पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं और दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपये दिए जाते हैं। PMMVY इस योजना के रुपए लाभार्थी के खाते में सीधे भेजे जाते हैं और पहला बच्चा लड़की हो या लड़का 5,000 रुपये दिए जाते हैं मदद के रूप में, और दूसरा बच्चा अगर लड़की होती है तभी 6,000 रुपये लाभार्थी को दोबारा दिए जाते हैं। अगर लड़की न हो करके लड़का होता है तब ये 6,000 रुपये लाभार्थी को नहीं दिए जाते हैं। कन्या सुमंगला योजना का काम भी अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को दे दिया गया है। भाई और बहनों, आप लोग विचार कीजिए, क्या बिना नियमित किए बिना मानदेय बढ़ाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के ऊपर कामों का इतना सारा बोझ डालना कहाँ तक उचित है? मुझे तो यह बिल्कुल सही नहीं लग रहा है।
आप लोगों के क्या विचार हैं? क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को यह सब काम करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा भदेवरानाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।